उधर खबर है कि यूक्रेन की फौज के लिए स्टारलिंक का इंटरनेट एक बार फिर बेहद अहम साबित होने वाला है। स्टारलिंक की फंडिंग पर चल रहे विवाद के बीच खेरसोन में 2000 से ज्यादा नए टर्मिनल भेज दिए गए हैं, जिनके जरिए खेरसोन में मौजूद यूक्रेन की फौज अपनी अगली रणनीति बना पाए। यूक्रेन की फौज का मानना है कि खेरसोन पर पकड़ बनाए रखने के लिए भी उन्हें मजबूत तकनीकी नेटवर्क की जरूरत है, जिसके लिए इंटरनेट बेहद जरूरी है। यूक्रेन की फौज इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ड्रोन की तस्वीरों की लाइव मॉनिटरिंग भी बिना इंटरनेट के मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि मिसाइलें दागते वक्त सटीक लोकेशन भरने के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। सबसे अहम बात यह कि यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नेटो में अपने सहयोगियों से संपर्क करने के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। माना जा रहा है कि इलॉन मस्क ने यूक्रेन की फौज को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दे दिया है। मतलब ये कि अमेरिका या नेटो की तरफ से पैसा मिले या न मिले, इंटरनेट बंद नहीं होगा। लेकिन अब यूक्रेन में ही लोगों ने स्टारलिंक की सेवाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरोप लग रहे हैं कि जंग के मैदान को इलॉन मस्क ने मुनाफाखोरी का मौका बना दिया है, और इसीलिए वो यूक्रेन पर मेहरबान हो रहे हैं। यूक्रेन के कुछ इंजीनियरों ने आरोप लगाया कि यूक्रेन को हाई स्पीड इंटरनेट पहले केवल $8 यानी करीब 650 रुपए में मिल रहा था, वो भी पूरे एक महीने के लिए। लेकिन स्टारलिंक के आने के बाद उसी इंटरनेट के लिए करीब 30,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन इंटरनेट का भी खर्च उठाने के लायक नहीं है। ऐसे आंकड़े आने के बाद स्टारलिंक की बोलती बंद है। माना जा रहा है कि खेरसोन में मस्क की मेहरबानी का कारण भी यही है। उन्हें लग रहा है कि अगर इंटरनेट बंद हुआ तो दुनिया स्टारलिंक की सेवाओं का हिसाब किताब जोड़ने लगेगी। हालांकि स्टारलिंक को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और यूरोप के बड़े उद्योगपतियों ने चंदा दिया है ताकि वो यूक्रेन में चल रहे इंटरनेट की फंडिंग कर पाए, लेकिन स्टारलिंक ने अब तक उस चंदे की रकम का भी कोई हिसाब दुनिया के सामने नहीं रखा। रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसकी सेना के नए सैनिक बेलारूस में ट्रेनिंग लेते नजर आए। बेलारूस जंग की शुरुआत से ही रूस के लिए लॉन्च पैड की तरह काम कर रहा है, और अब वहां उसके सैनिक खतरनाक तोप और मोर्टर की मदद से यूक्रेन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए, जिसके लिए पहले तो उन्होंने मोर्टर को तैयार किया और फिर जैसे ही उससे धमाका हुआ सारा इलाका गूंज उठा। वहीं रूस के सैनिकों को भारी भरकम टैंक चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई, जिसके लिए कई टैंक कतार में खड़े नजर आए और फिर इशारा मिलते ही वो पूरी रफ्तार से एक के पीछे एक भागे। सैनिकों को खास तौर पर इन्हें ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने के गुर सिखाए गए ताकि जंग के वक्त उन्हें परेशानी न हो। इस दौरान कुछ सैनिक ड्रोन उड़ाने और उसके जरिए विस्फोटक गिराने की ड्रिल भी करते दिखे। वहीं यूक्रेन की फौज से सीधी टक्कर लेने के लिए भी उन्हें तैयार किया गया, जिसके लिए रूस के सैनिकों के हाथों में बंदूकें थमाई गई और उन्हें घने कोहरे में दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर वहां तबाही मचाने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान कुछ सैनिक खुफिया रास्तों से आगे बढ़े और उनके साथियों ने उन्हें कवर फायर दिया, जिसके बाद उन्होंने दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का अभ्यास किया। वहीं उन्हें यूक्रेन के सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई के लिए भी तैयार किया गया। इसके लिए वो बंकर के पीछे छिपकर लॉन्चर से गोला दागते भी नजर आए। इसके अलावा उन्हें स्नाइपर की मदद से दूर से दुश्मन का शिकार करने का हुनर भी सिखाया गया। साथ ही छिपकर गोलियां बरसाने की ट्रेनिंग के दौरान वहां इतनी फायरिंग हुई कि सारा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक ये वो सैनिक हैं जिन्हें रूस की सेना में कुछ दिन पहले ही भर्ती किया गया। दावा है कि रूस इन्हें बेलारूस में ट्रेनिंग देकर जल्द से जल्द जंग में उतारने की तैयारी में है। उधर पुतिन की फौज के हाथ से खेरसोन फिसलने के बाद वहां रहने वाले लोगों की मदद का काम तेज हो गया। खेरसोन में एक निजी संस्था की टीम लोगों के बीच कई ट्रक भरकर खाने के पैकेट और दवाइयां लेकर पहुंची, जिनके वहां पहुंचते ही भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर उन्होंने एक एक कर सभी को खाने के पैकेट देने शुरू कर दिए, जिनमें उनकी जरूरत से जुड़ा हर सामान मौजूद था। खेरसोन इस वक्त खाना, पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। हालांकि करीब 9 महीने बाद रूस से मिली आजादी से वो बेहद खुश है, इसलिए जब कुछ दमकल कर्मचारी शहर में रूस के लगाए बैनर और होर्डिंग हटाने पहुंचे तो लोगों ने गले लगाकर उनका स्वागत किया।